खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 11 मई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 23वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूँ लिखा है, ऐरियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। आमीन। चूंकि इस बाब में यीशु मसीह ने 8 दफा फकीयों और फरीसियों पर अफसोस किया, 6ठे अफसोस में भी यीशु मसीह ने जाहिर प्रस्ती पर बात की और इस 7वें अफसोस में भी जाहिर प्रस्ती को ही निशाना बनाया गया। 6ठे और 7वें में फर्क ये है कि 6ठे अफसोस में उनके अंदर के लालच और हिर्स को छुपा के रखने के बारे में मसीह ने बात की, जबकि 7वें अफसोस में रियाकारी और बेदीनी की पर्दापोशी करने की मुजम्मत की गई। कब्रों को सफेदी इसलिए की जाती थी कि यहूदी लोग कहीं बेएहतियाती से उनको छू ना लें और रस्मी तौर ना पाक ना हो जाएं। यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों को सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद ठहराया, जो ऊपर से तो साफ सुथरी दिखाई देती हैं मगर अंदर गंदगी भरी हुई है। लोग सोचते थे कि इन मजहबी लोगों के साथ मेल जोल से हम पाक हो जाते हैं, जबकि हकीकत में ये नापाक कर देने वाला तजर्बा होता था, क्योंकि वो रियाकारी और शरारत और बदकारी से भरे हुए थे। आज भी बहुत से रहनुमा और बहुत से ईमानदार इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हैं। उनका जाहिर तो अच्छा है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नेक नाम हों और इसकी मशहूरी के लिए ही वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिलों में हर तरह की बुराई और गंदगी है। उनकी सबसे बड़ी आरजू यही होती है कि हम लोगों को रास्तबाज दिखाई दें और लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन उनका दिल गुनाह से भरा होता है। जरूर है कि चाहे कोई मजहबी लीडर है या आम ईमानदार है, ये हर एक के लिए जरूरी है कि वो हर तरह की रियाकारी से बाज आए, अपने दिल से हर तरह की शरारत और बदकारी को दूर करे। और चाहिए कि हम पाक हों क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। खुदा आपको बरकत दे, आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तू ही इस लायक है। ऐ खुदा, आज सुबह तेरे हजूर में हम इकरार करते हैं कि बारहा हमने भी रियाकारी से काम लिया है। जिस तौर से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहिए था हमने नहीं की, हमें मुआफ़ कर। पाकरू की कुदरत हमारी ज़िंदगियों में यूँ काम करे कि हमें हर रोज़ नया बना। मेरी दुआ है खुदा, जितने भी भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों के पास ये पैगाम जाए और उसको सुने, खुदा उनको बरकत दे। मेरी सलामती उनकी ज़िंदगी पर कसर से हो। जो बीमार कमज़ोर और लाचार हैं, बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं, अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा तो उनको शिफा बख्श दे। जो ऐ खुदा किसी नाजायज़ इल्ज़ाम की बिना पर या अपने ही गुनाहों के सबब से कैद में हैं, ऐ खुदा उनकी भी तोबा तक नौबत पहुँचे और वो कैद से आज़ाद हों। जो रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं, दूसरे ममालक में रह रहे हैं, उनके लिए भी तेरे हुजूर से बरकत और सलामती चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।